आज की जो मैं केक बनाऊंगा वो भी फर्स्ट बर्थडे के लिए रहेगा, टू स्टेप में। और पता नहीं, लेकिन हाँ, जितना भी फर्स्ट बर्थडे का रहता है ना केक्स, वो सारा का सारा बड़ा बड़ा ही रहता है। हो सकता है कि जैसे पहला बर्थडे तो अच्छे से सेलिब्रेट करता होगा जिसके यहाँ पे रहता होगा। तो ये मेरा भी केक कुछ ऐसा ही है जो कि कस्टमर खुद आए थे ऑर्डर देने के लिए, और प्लस फ़ोटो भी वही सेलेक्ट करके लेकर के आए थे कि ऐसा मेरे को सेम चाहिए। मैं बोला ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि केक तो मतलब बनने जैसा ही था, कुछ ऐसा तामझाम वाला सिस्टम ज़्यादा नहीं था। लेकिन मेरे लिए, जैसे मतलब जो जानता है बनाने के, उसके लिए तो कोई सा भी कोई अगर केक ला करके दिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसे नहीं पता उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट कोई नहीं, फिर भी अगर आप जैसे कुछ ऑर्डर कोई देता है, आपको नहीं पता है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो आप ले लेना, आप कोशिश करना बनाने का, बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें भी लगता है कभी कभी कुछ केक यार पता नहीं है कैसा बनेगा, लेकिन बनाए तो बहुत मस्त बनता। 5 kg में बनेगा ये वाला केक जो भी बना रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। इसका लेयर वगैरह तो मैं पहले से सेट कर रखा था, और प्लस इसका आइसिंग किया हूँ वाइट क्रीम से, और ऊपर से मतलब लाइट पिंक कलर का थोड़ा थोड़ा करके मतलब क्रीम से बीच बीच में मैं लगा दिया हूँ, देख सकते हो इस तरह से लाइनिंग बना दिया। और उसके बाद इसी को मैं अच्छे से फिनिशिंग कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट कलर से भी कर सकते हो, लेकिन कलर से करने से क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या डार्क हो जाएगा कलर, ठीक है। लेकिन अगर क्रीम बना करके करते हो तो आपको जो कलर चाहिए वो कलर सेम आ जाएगा। डार्क अगर होना तो डार्क क्रीम बना लो, और अगर लाइट कलर का करने का तो लाइट क्रीम बना करके फिर इस तरह से डिजाइन आप कर सकते हो। डायरेक्ट कलर करोगे तो वो तो डार्क ही होगा ना, लाइट नहीं होगा इसके वजह से। तो एक दूसरे के ऊपर इसका स्टेप रख दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें बेस फिनिशिंग करना होगा ताकि मतलब केक का लुक थोड़ा हमारा अच्छा दिखे, और प्लस कुछ नाम वगैरह भी रखना चाहो तो आराम से रख सकते हैं इसमें। इसके लिए अब केक तो मेरा रेडी हो गया, लेकिन फर्स्ट हम इसमें फ्लावर बना करके ही दिखा देता हूँ आप लोग को, जो कि मैं सिंगल सिंगल भी फ्लावर्स का वीडियो आप लोग के साथ पोस्ट कर चुका हूँ, जो कि विदाउट स्पीड है, कुछ स्पीड वगैरह कोई एडिटिंग नहीं, बस ओरिजिनल मतलब जैसा बनाता हूँ वैसा ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे इसी पेज में रील्स सेक्शन में जा करके देखो, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, वो इसके साथ में भी है। तो इसमें जो भी फ्लावर बनाना था मतलब लगाना था वो बना लिया हूँ, देख सकते हो। और बाकी एक एक करके सब इसमें सेट कर दे रहा हूँ, 2 नीचे 2 बीच में, और बाकी ऊपर में था 1-2 वो भी लगा दिया। और इसका कुछ कुछ फोंडेंट का काम था वो भी सारा मैं कर रखा था, वो भी मैं नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में रहता है और डिज़ाइन मेरे को अच्छा लगता है, तो आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। और डिज़ाइन कुछ खास मतलब फोंडेंट का ऐसा काम नहीं है इसमें, मतलब ये नाम प्लेट डालना था तो नाम प्लेट के लिए देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बस पतला आपको फोंडेंट कट कर लेना है, और आपका जो भी कस्टमर नाम देता है वो सिंगल सिंगल लेटर से कट करके, लेकिन पीछे में चॉकलेट लगा करके, और इस तरह से आप टॉप पर चिपका सकते हो, चिपक जाएगा। बाकी 1 नंबर बनाया था वो तो कोई भी काट सकता है, वो इसमें चिपका दिया। और टेडी बियर जो बनाया हो, हाँ वो दिखाने जैसा था, लेकिन टेडी बियर का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हो, सुनील केक मास्टर मतलब यूट्यूब पे भी देख सकते हो, पेज पे भी, अगर नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा जो कि टेडी बियर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो सेम नाम से इंस्टाग्राम मेरा है, सुनील केक मास्टर के नाम से, आप चाहो तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर कुछ अगर जैसे कुछ डाउट भी रहता है केक में, आप पूछना चाहते हो फिर बात करना चाहते हो, वहाँ से कर सकते हो, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसमें देख सकते हो टॉपर में टेडी बियर्स वगैरह बैठाने के बाद में इसमें नोजल से कुछ कुछ इसमें डिजाइन था, मतलब क्रीम से पूरा देना था तो वो मैं पूरा दे दिया, और बाकी साइड से इसमें स्प्रिंकल्स लगा था तो बड़ा छोटा मिक्स करके ऐड करना था तो वो भी मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया हूँ, ये देख सकते हो। और बस इतना ही था ये वाला केक में, ज़्यादा कुछ मतलब डिज़ाइन अगर बोला जाए तो वैसा नहीं था, ना तामझाम का मैं बोला ना कुछ भी नहीं है, फ्लावर बनाना था, टेडीज लगाना था, वो लगा दिया पूरा, ठीक है। बस यही था केक, कैसा बना एक प्यार से कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है, चलो बाय।